चलिए एक और नए स्टूडेंट के साथ हम मिलते हैं, विवेक से, जिनकी की ऑल इंडिया रैंक 153 है और जो कि झारखंड रांची से हैं। तो विवेक, और विवेक को अभी एनआईटी सूरतकल अलॉट हुआ है, तो विवेक सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए और एनआईटी सूरतकल के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। आप विवेक, मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, आज एनआईटी सूरतकल मिला है, आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की, तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि ये जो सेशन मैं लेता हूं इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं चाहता हूं बच्चे अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी बताएं, अपनी सक्सेस जर्नी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे निमसेट प्लान किया, कैसे पढ़ाई की, जिससे कि जब जूनियर या जो बच्चा देख रहा है सेशन, वो समझ पाए कि हम क्या करें जिससे हम भी इसी तरह की रैंक अचीव कर सकें। तो आप अपनी सफलता को कैसे समझेंगे या समझाएंगे? सर, प्लानिंग तो कुछ नहीं था, जैसे 12th के बाद समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है, तो मेरे कजन है, मोनू भैया नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बीसीए कर लो, बीसीए में बहुत स्कोप है आगे, तो बीसीए शुरू किए करना, तो सोचे कुछ कुछ हो ही जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ 50% आया, सेकेंड सेमेस्टर हुआ 50% आया, वैसे ही दो सेमेस्टर पार हो गया। फिर थर्ड सेमेस्टर के पहले एक बार गए थे, वही यही रांची में भैया रहते, उनके घर गए तो भैया निमसेट का तैयारी कर रहे थे, तो वही बताया कि ऐसा कुछ एग्जाम होता है जिससे जिसके थ्रू एनआईटी जा सकते हैं, तो हम सोचे अरे एनआईटी जा सकते हैं तो चलो कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो फिर लेकिन वो बोले कि 60% तो लाना पड़ेगा ओवरऑल, तभी कुछ हो सकता है, तो हम सोचे 60, मेरा तो 50 चल रहा है, 60 ओवरऑल के लिए तो अब मैथ्स पढ़े कि जीके पढ़े, जीके बोल रहे हैं कंप्यूटर पढ़े, दोनों तो सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो भैया बोले कि पहले ये कर लो, निमसेट नहीं होगा तो ड्रॉप भी कर सकता है, ग्रेजुएशन में कम हो गया तो फिर क्या करोगे, तो बोले ठीक है। तो फिर ऐसे एग्जाम दिए, तो थर्ड सेमेस्टर में ठीक ठाक 67% आ गया था, तो उस टाइम तक तो फिर भी लग रहा था कि 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एवरेज फिर भी मेरा 55 भी नहीं हुआ था सर। सही बात है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरी दीदी यूनिवर्सिटी टॉप कर गई, मेरी एक ही सिस्टर है, वो गोल्ड मेडल ले आई पूरा यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी टॉप कर गई। हाँ। और उसको मतलब सीएम रघुवर दास से लेके प्रेसिडेंट तक सब आया था उसको गोल्ड मेडल देने, तो हम सोचे कि जब ये वही चीज खाती है जो हम खाते हैं, वही घर में रहती है, तो ये ग्रेजुएशन में मतलब अपना टॉप कर गई मास्टर्स में, 80+% लाई, हम 60 के लिए रो रहे हैं, तो फिर हम सोचे चलो हमको भी पढ़ना चाहिए, तो हम थोड़ा उस टाइम पढ़े तो हम भी क्लास में टॉप कर गए उस सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में क्लास टॉप हो गया, तो मेरा एवरेज 60 हो गया, तो हम बोले चलो इधर का काम खत्म हो गया। फिर जैसे हम जिम भी जाते सर, तो जिम में मेरे एक भैया है, रवि भैया नाम है उनका, तो वो आते थे, हमको पता था वो बीसीए में है, सीनियर है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं था कि वो निमसेट का तैयारी कर रहा है ऐसा कुछ। तो अचानक से हुआ ये कि वो आना जिम बंद कर दिए, तो फिर उसके साथ एक और लड़का आते थे, तो उनसे मैंने पूछा कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो उसने बताया कि उसका कोई कॉलेज वॉलेज निकल गया है तो आना बंद हो गया, तो हम बोले अच्छा उनका नंबर देना तो हम पूछेंगे, तो उनसे बात हुआ तो पता चला कि वो ऑल इंडिया रैंक 6 लाए थे 2018 में, और ऑल इंडिया रैंक 6 लाए थे और मतलब कि वही एनआईटी सूरतकल ले लिए थे, त्रिची नहीं गए थे, तो उनसे बात हुआ तो उनसे हम पूछे कि सर ऐसा क्या मतलब आप क्या क्या किए, कैसे पढ़ाई किए, तो वो बताए कि जैसे बुक को कुछ खास सॉल्व नहीं किए आप ही, मतलब इम्पेटस गुरुकुल का नाम बताया, तो उससे पहले मैंने आपका नाम भी नहीं सुना था कि क्या है नहीं है, तो वो बताए, तो हम बोले ठीक है अच्छा एडमिशन लेते हैं, तो फिर उन्हीं के बोलने पे मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। फिर वही सर आपका जब वीडियो देखना शुरू किया, तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, मतलब बस देख रहे थे समझ भी आ रहा था, लेकिन सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, मतलब कि एक ही चैप्टर में डेढ़ डेढ़ महीना दो दो महीना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रहे हैं, ऐसे करते करते टाइम पार हो रहा था, साथ में फिर कॉलेज का फिफ्थ सेमेस्टर आ गया वैसे, तो फिर इधर उधर भटक रहे थे, तो फिर जैसे जैसे हो रहा था तो फिर अचानक से मतलब वैसे कर करके टाइम पास हो गया, तो ये जनवरी वनवरी आया तो फिर पता चला कि जैसे यहाँ पे मतलब आपका शुरू मतलब लाइव क्लासेस आपका शुरू हुआ ऐसा ऐसा कुछ, तो उस टाइम तक मेरा पेन ड्राइव बंद हो चुका था, मतलब जैसे पेन ड्राइव बंद होने के बाद तो फिर कॉल करने से फिर से स्टार्ट होता ना, तो मैंने आप ही को कॉल किया था, आपको याद नहीं होगा, तो आपने बोला कि लाइव, हाँ आपने बोला लाइव से जुड़ जाओ, तो आपने फीस उस बताया कि ऐसे है लाइव से जुड़ जाओ ठीक रहेगा, तो मैंने बोला कि सर पेन ड्राइव ही मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है, लाइव से जुड़ेंगे और मटेरियल मिल जाएगा कितना कंप्लीट करेंगे, तो आपने बोला ठीक है फीस उस कुछ मत दो बस लाइव से जुड़ के अपना तुम बस एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट दो ऐसे, क्योंकि उसके पहले जैसे ईमेल में भेजते थे ना आप लोग क्वेश्चन पेपर, तो ईमेल, हाँ तो ईमेल से बंद हो गया था, तो मैंने वही क्वेश्चन पेपर के लिए ही आपको कॉल किया था, तो आपने बोला कि जुड़ जाओ लाइव से, तो वही लाइव से जुड़े, तो फिर डेली क्लास हुआ डेली टेस्ट हुआ, तो पता चला कि रैंक जैसे शुरू में 70 आ रहा है 80 आ रहा, फिर ऐसे करते करते ऊपर बढ़ते बढ़ते लास्ट का मॉक टेस्ट में तो सेकंड रैंक भी आ गया था मेरा। ओके ओके गुड।
तो ऐसे करके मतलब लाइफ के साथ बस वही, तो फिर टाइम भी नहीं बचा था कोरोना को लेके, जो टाइम मिल गया तो उस कारण से फिर सोचे, पहले तो मैंने सोचा था कि हुआ हुआ, नहीं हुआ तो अगला साल भोपाल ही आएंगे, तो वो सोच के अपना जैसे चल रहा था चल रहा था। तो फिर एग्जाम उग्जाम आया, पार हुआ, कोरोना में जो 6 महीना का छुट्टी मिल गया तो उसमें बस आप मोटिवेट करते रहे, पढ़ाते रहे, हम लोग भी पढ़ते रहे, क्वेश्चन सॉल्व किए, जब बोले सैटरडे रिवाइज करो सैटरडे रिवाइज करो, जो पेपर करो वो पेपर करो, जैसा बोले वैसा किए, करते करते एग्जाम हो गया। एग्जाम दे के निकले तो पूरा श्योर थे कि हो जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि मार्क फॉर रिव्यू का नंबर नहीं मिल रहा, तो उसमें मेरा 70-80 नंबर कट गया। तो मैंने सोचा कि अब इस साल नहीं होने वाला, तो मैंने आपको कॉल किया कि सर न्यू बैच 21 का कब से शुरू हो रहा है, तो आपने बोला कि क्यों इस बार का कैसा हुआ, तो मैंने बोला कि सर ठीक हुआ लेकिन 560-570 से ऊपर नहीं आने वाला है क्योंकि सब नंबर कट गया। तो आपने बोला कि उतना आ रहा है ना, 500+ है, तो हम बोले हाँ सर। तो बोले तब तुम श्योर रहो मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारा हो जाएगा, हम बोले सर सच में, बोला मैं बोल दिया ना ऐसे आपने बोला। तो मैंने पापा को बोला कि सर पापा सर बोल रहे हैं कि हो जाएगा, तो सर पापा बोले कि अच्छा ठीक है देखते हैं। तो फिर जब रिजल्ट आया तो देख रहे 153 रैंक, तो बोले सर तो बोले ही थे कि हो जाएगा। देखो वो अनुभव काम आते हैं, मुझे पता था कि 500 के ऊपर जिनके स्कोर है उनकी अच्छी रैंक आएगी, और अगर आपका मार्क फॉर रिव्यू में नहीं जाता तो मैं श्योर हूं कि आप टॉप 10 में आ जाते, क्योंकि 70-80 नंबर बहुत बड़े ज्यादा नंबर होते हैं। तो पर वो हाँ तो वो तो समय की बात है, तो जितने लोगों के नंबर 500 प्लस थे मैं श्योर था, पेपर भले ही इजी था पर इजी पेपर में मिस्टेक्स भी उसी रेशो में बढ़ जाती है, और कई बच्चों के मिस्टेक्स बहुत हो गई, तो मुझे आइडिया था कि 500 प्लस वाले बच्चों का अच्छा कॉलेज मिलना तय है। नहीं सर, जैसे मॉक टेस्ट इतना प्रैक्टिस दिए थे ना मॉक टेस्ट का, कि मॉक टेस्ट में जैसे आप लोग वाले में होता था कि मार्क रिव्यू का नंबर मिलता था, तो वही आदत में था वही करके आ गए। एक्चुअल में कई एग्जाम में अलग अलग रूल होते हैं, जैसे बीएचयू में भी रिव्यू का नंबर मिलता है, कुछ एग्जाम में मिलता है कुछ में नहीं मिलता है। सर सर जब से वो भैया से मैंने मिला ना, तो वो भैया जैसे बोल दिए थे कि एग्जाम इजी है, ऐसा कुछ टेंशन वाला बात नहीं है, तो मैंने ना बीएचयू का फॉर्म भरा ना जेएनयू का और क्या क्या होता है कोई फॉर्म नहीं भरा है, इधर उधर का कुछ नहीं। कॉलेज में सर ने बोला प्लेसमेंट में बैठो, प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा, सिर्फ एनआईटी का फॉर्म भरा था, और यहाँ देखिए मेरा फोन भी रखा हुआ होगा, ये मेरा फोन में मैंने ये सूरतकल का फोटो लगा के रखा हुआ था जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। जो भैया बोले थे कि सूरतकल में, तो मैंने बोला था आएंगे हम भी सूरतकल ही आएंगे। तो दीदी पूछती भी थी ये क्या का फोटो है क्या का फोटो है, हम नहीं बताते थे, अब बता दिए हैं कि सूरतकल का फोटो है। तो टारगेट सूरतकल ही था, अभी मिलेगी आप लोग का और मेरा भी वही। देखो क्या होता है विवेक, मुझे आपकी बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में 50% थे, 50% के बाद बच्चा कई बार ये माइंड सेट नहीं कर पाता, पर कभी कभी बोलते कुछ लोग आपको समय पर सही मिल जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे 12th में जो आपको आपके कजिन ने गाइड किया कि नहीं बीसीए करो, नहीं तो कई लोग मिस गाइड कर देते अरे बीसीए में क्या रखा है। फिर आपने जब आपके जो फिटनेस क्लब जाते थे वहां पे आपने अपने एक सीनियर को देखा जिनका सिलेक्शन सूरतकल में हुआ, 6 रैंक के बाद भी उन्होंने फिर इम्पीटस का ही बताया, ये आपके लिए सेकंड टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर आपकी सिस्टर का टॉप करना आपके लिए स्पार्क कर गया कि जब मेरी सिस्टर कर सकती तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि 50% से एक साल का 50% से एवरेज 60 बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और वो भी आपने अचीव कर लिया समय रहते हुए। मतलब आपने सेकंड ईयर में ये अचीवमेंट लेने से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अब मैं कर सकता हूँ, नहीं तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। और आपके चेहरे की खुशी जो आप अभी इंटरव्यू में बोल रहे हैं वो अलग दिख रही है कि वो आपका एक अचीवमेंट है। मतलब फर्स्ट ईयर आपने ऐसी मस्ती में निकाल दिया, पर सेकंड ईयर आपकी सिस्टर के वजह से आपको ये स्पार्क मिला, फिर आपने इम्पीटस ज्वाइन किया, फिर एक अच्छा क्या हुआ पेनड्राइव से, कई बार क्या होता है कई बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो पाते, जैसे आपके साथ हुआ कोई टॉपिक महीनों चल रहा, पर लाइव में ये सब दिक्कतें खत्म हो गई, हमारे साथ पढ़ना है हमारे साथ टॉपिक खत्म करना है फिर उसका टेस्ट देना है उसका एनालिसिस करना है, तो ये सब चीजों का आपको समय, मतलब इसे कहते हैं कि प्रॉपर टाइम पे आपको चीजें मिलती गई और वो चीजें देखो कन्वर्ट होती गई। ड्रीम सूरतकल जाने का था और सूरतकल ही मिला जो आपके मोबाइल का वॉलपेपर है, भले ही मार्क फॉर रिव्यू में इतने नंबर चले गए। हाँ सर तो ये काफी अच्छी बात है। तो आप अपना क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, जब कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परसेंट डाउन हो जाते हैं और वो फिर परेशान होते हैं पैनिक होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा और उनको क्या सलाह दोगे आप? सर सलाह यही है ना कि जैसे स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए मेरा सलाह रहेगा, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन किया, तो जैसे बीच में हुआ ही है ना कि मेरा एक आंख में मतलब प्रॉब्लम हो गया, इतना ज्यादा मैं पढ़ने लग गया था तो इस कारण से आंख खराब हो गया, मतलब आंख में जैसे ऑन स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया था, तो उस कारण से हुआ ये कि मैंने जितना पीडीएफ आप देते थे एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट वाला सबको मैं प्रिंट करवा के लेके आ जाता था,
और उसी पे क्वेश्चन के पीछे में मतलब जो बैक साइड पे एक साइड प्रिंट रहता था एक साइड ब्लैंक रहता था, तो ब्लैंक पे मैं उसी को मतलब जो भी है जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको मार्क करके उसके पीछे साइड में उसका छोटा मतलब 2-3 लाइन में सॉल्यूशन लिख के रखता था, और उसे सैटरडे को जब रिवाइज करता था तो अच्छा से रिवाइज हो जाता था। और जैसे मोबाइल में पीडीएफ था तो पीडीएफ पे पीडीएफ भर गया लेकिन कुछ कभी रिवाइज नहीं हो पाता था, तो वही प्रिंट करवा के रखो पेपर और उससे रिवाइज करने में आसानी होगा, पहला तो यही है। और दूसरा वही कि सर जैसा बोल रहे वैसा करो। बहुत अच्छा लगा विवेक आपसे बात करके, मजा आया। आप रांची के हो आपको देख के, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग है आपकी लाइफ का। क्या होता है कई बार जब हमारे परसेंटेज वगैरह कम हो जाते हैं तो हम डिमोटिवेट होकर कई बार गलत लाइन पकड़ लेते हैं, पर आपकी सिस्टर का एक यूनिवर्सिटी टॉप करना और फिर आपने अपने आप को इस बात के लिए कि नहीं मैं कर सकता हूं। देखो एक और चीज मैं आपसे बोलूंगा हर बच्चे को जो ये सेशन सुन रहे हैं कि इस बच्चे से आप सीख सकते हो कि बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक बिलीव आ गया कि नहीं मेरी सिस्टर ने किया मैं कर सकता हूं, और उस बिलीव ने देखो आपको उस साल का टॉपर बनाया, क्योंकि वो बिलीव के बिना कभी कुछ नहीं होता। सर जैसे कि शुरू में जब पढ़ाई करते थे ना, तो जैसे पेनड्राइव आपका सिर्फ जब पेनड्राइव था तब तो जैसे पेनड्राइव खत्म हो गया था जल्दी, मैं तो जैसे कम टाइम में आप बोलते हैं ना कि कम टाइम को ज्यादा कैसे करना है, तो मैंने रिवाइज करने का टेक्निक बना लिया कि 1.5x2 का स्पीड पे देखते थे, तो वो भी एक तरह से डबल टाइम हो गया, जो 2 घंटा का वीडियो 1 घंटा में खत्म हो रहा था, तो रिवाइज वैसे ही कर लेते थे। तो जैसे पेनड्राइव का तो फिर भी डेटा लिमिटेड है, तो वो खत्म होने के बाद ना जैसे ऐसी तो किसी किसी पे कुछ कुछ देखते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे एग्जाम करीब आया तो समझ आया कि वो बस टाइम पास हो गया, उससे कुछ हुआ नहीं उसमें। तो इसीलिए अगर ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म का कुछ भी देखता है ना, तो अगर उसे कुछ अच्छा लगे तो उसका नोट्स जरूर बना लीजिए, ये नहीं कि देखा एंजॉय किया भूल गया, वैसा कुछ नहीं होता है, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, सब चीज को जितना चीज आपका था नोट्स बना हुआ बस वही लास्ट में काम आया, बाकी जितना वीडियो देखे जो कि सब दिमाग से उड़ जाता है प्रेशर में। चलो बहुत अच्छा लगा आप बात करके विवेक आपसे, अब ऐसे आप आगे बढ़ो NIT सूरतकल में भी ऐसे अच्छा परफॉर्म करो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, भोपाल आएंगे सर। बहुत जल्दी भोपाल प्रोग्राम रखने वाला हूँ, कोविड के वजह से रुका हुआ है, सारे सीनियर्स आने वाले हैं, आप सब सिलेक्टेड बच्चे और सीनियर, इस बार बहुत बड़ा गेट टूगेदर होगा, तो आप उसकी तैयारी रखिए, जैसी सिचुएशन नॉर्मल होती है मैं तुरंत आप लोगों को भोपाल बुलाने वाला हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।